हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज 10वें दिन भी रोडवेज की हड़ताल जारी रही। दिनांक 17 सितंबर से चक्का जाम हड़ताल को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। जब तक समझौते को लागू नहीं करेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज बुधवार को दिन भर रोडवेज डेपो के बाहर सुबह से ही धरना प्रदर्शन जारी रहा। वही धरना स्थल पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सवाराम पटेल व कांग्रेस कमेटी की ओर से योगेंद्र सिंह कुंपावत ने धरना स्थल पर रोडवेज कर्मियों के पास आकर समर्थन दिया व आश्वासन दिया कि हमारे उच्च नेताओं को बताकर धरना संपन्न करें। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गौरव यात्रा में व्यस्त है। वहीं जगह जगह सब कार्मिक हड़ताल पर है, किसी बात की फिक्र तक नहीं है। धरने पर रोडवेज कर्मियों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया व परिवहन मंत्री यूनुस खान के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। इस दौरान महेंद्र सिंह जोधा, बरकत खान, भवानी सिंह, शैतान सिंह, पुरखाराम, सतीश कुमार, महावीर सिंह, सदाराम, रघुनाथ बिश्नोई, जय प्रकाश, संतपंत सिंह, ओम प्रकाश, कृष्ण पाली सिंह, पाबुराम विश्नोई, श्रीमती रानी, मुकेश मीणा व शंकरलाल माली सहित काफी संख्या में रोडवेज कर्मी मौजूद रहे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।